ये देख रहे हैं आप, ये ओरिजिनल गोला भैया बता रहे हैं, तोफ के अंदर आज भी लगा हुआ फंसा हुआ है और इस पे शेर का निशान बना हुआ है। पूरी 30 फुट मोटी दीवार पे हम चल रहे हैं, इस पे घोड़े भी चल जाते होंगे। उस समय घोड़े भी चल जाते, ऐसा लग रहा है कि 2 या 3 घोड़े एक साथ चल सकते हैं इस पे। ये है उस टाइम की अंग्रेजों की मशीन गन, जिसमें 1500 मीटर तक की रेंज और अलग अलग रेंज आप सेट कर सकते हैं गोलियां चलाने के लिए। हम अंदर प्रवेश कर रहे हैं इस टनल के, जिस खुफिया रास्ते से राजा महाराजा अटैक होने पर बाहर निकल जाया करते थे, शहर से बाहर निकलते थे इस टनल के रास्ते। देखो ये वो जगह मैं दिखाने जा रहा हूँ सर, जहाँ से रानी ने अपना घोड़ा सहज छलांग लगाई थी। बोलते हैं कि चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, वंदे ले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। स्वागत है आपका मेरी मध्य प्रदेश एक्सप्लोर सीरीज में। झांसी के किले का नाम सुनते ही दिमाग में सबसे पहली छवि आती है रानी लक्ष्मीबाई की और उनके द्वारा छिड़ी गई आज़ादी की लड़ाई की कहानी की भी। तो रानी लक्ष्मीबाई के इस किले को ही आज हम एक्सप्लोर करने आए हैं, तो चलिए चलते हैं महल के अंदर की तरफ, देखते हैं कैसा बना है रानी लक्ष्मीबाई का ये किला। चलिए चलते हैं अंदर की तरफ। तो आज हम गाइड भैया की मदद से पूरा का पूरा झांसी का किला घूमने वाले हैं। तो भैया सबसे पहले आप हमें क्या दिखाएंगे झांसी के किले में? ये सर मैं आपको कड़क बिजली जो तोप है इससे शुरू करूंगा, जो मैन इधरी से होता है फोर्ट के बारे में बताने का। देखिए सर, इस तोप का नाम है कड़क बिजली तोप। इस तोप को मैन चलाने वाले थे गुलाम गोस्का और खुदा बख्श, जो रानी के मैन तोपची थे, जो वफादार आदमी थे। एक सामने जो वाइट दीवार बना हुआ है ये तोप पहले उधर लगा हुआ था, और एक सिटी के बाहर वो कैमासन देवी का मंदिर है, जिस मंदिर पर रानी नेत पूजा करने उस समय डेली जाती थी। तो रानी का एक देवर था दूराजी राव, जो अंग्रेजों से मिल गया था। उसने पहले ही कह रखा था जब आप आना तो मंदिर के पीछे आप घेरा डाल लेना। रानी के पास आए रानी के वफादार तोपची कि रानी साहबा ये तोप चलाएं कि नहीं। रानी ने तोप चलाने से मना किया था, रानी ने सोचा अगर ये तोप चलेगी तो वो मंदिर टूट जाएगा। अंग्रेजों ने उधर से अटैक किया, जो आके गोला उस दीवार में लगा था वो दीवार गिर गया और तीनों मारे गए, गुलाम गोस्का, खुदा बख्श और मोती बाई। 4 जून 1858 में इन तीनों का समाधि रानी ने अंदर बनवाया है। ये तोप उधर से उठा के आर्मी वालों ने इधर रखा हुआ है। ये देखो सर, ये तोप के अंदर ये गोला जो देख रहे हैं ये ओरिजिनल गोला है सर। गोला अभी तक है इसमें? हाँ, और देखो ये शेर के आकार में डिजाइन है, ये ओरिजिनल गोला है। देखिए ये देख रहे हैं आप, ये ओरिजिनल गोला भैया बता रहे हैं, तोप के अंदर आज भी लगा हुआ फंसा हुआ है और इस पे शेर का निशान बना हुआ है। तो भैया बता रहे हैं जब इस पर से गोले फायर होते थे तो बिजली की तरह आवाज़ निकला करती थी, और कम से कम 20 फीट लंबी ये झांसी की रानी के फोर्ट की सबसे बड़ी तोप है और बिजली की तरह आवाज़ निकाला करती थी उस टाइम पे। इसके दोनों साइड पहिए होते थे चलाने के लिए, जहाँ आपको घुमाना है उस साइड में। ये देखिए बहुत ही बढ़िया तोप है ये। भैया आप नेक्स्ट अब कहाँ ले जा रहे हैं हमें? ये मैं आपको दिखाऊंगा सर मशीन गन वगैरह जो 1905 में अंग्रेज लाए थे। पहले मैं इस किले के बारे में आपको बताऊंगा, ये जो सर किला बना है उस पहाड़ी का नाम है वांगरा। वांगरा नामक पहाड़ी पे दुर्ग बना है। इसको सर बनाने वाले थे ओरछा के राजा थे जो वीर सिंह जो बुंदेला, उन्हीं ने एक किला बनवाया था। 1602 में इस किले का बनना चालू हुआ था और 1613 में ये बन के किला तैयार हुआ था। अच्छा, ये किला उनने गंगाधर राव के पिताजी को गिफ्ट में दिया था, क्योंकि जो पहले बुंदेलखंड की जो राजधानी थी वो ओरछा ही थी। अच्छा, तो उनने पूरे बुंदेलखंड में 52 किले और 52 कुएं बनवाए थे। 52 किले बनवाए थे? 52 किले और 52 कुएं, के आने जाने वालों को पानी की सुविधा मिलती रहे। पहले झांसी का पुराना नाम था बलवंत नगर। जब सर ओरछा के राजा ने अपनी रानी को दिखाया कि रानी हमने जो वांगरा नामक पहाड़ी पर किला बनवाया है ये कैसा बना हुआ है, तो रानी ने बुंदेलखंड आवाज में बोली कि राजा हमें तुम्हारो किलो तो झाई से दिखाई देता है। झाई मतलब परछाई, परछाई जैसा किला दिखाई देता है जिसका, हाँ, जिसका नाम झाई झाई कहते कहते झांसी पड़ा, झांसी पड़ गया। सामने एक येलो बिल्डिंग देख रही, चर्च के पीछे वो रानी का महल है, एल टाइम में बनी। जो 1853 में गंगाधर राव का देहांत हो गया तो रानी ने अपने लिए वो रानी महल बनवाया था।
नाइट में रानी उस महल में रहती थी, दिन में इधर वो शासन चलाती थी। रानी महल भी पहले 4 फ्लोर था, अंग्रेजों ने 2 फ्लोर गिरा दिया क्योंकि बगल में अंग्रेज टाइम का चर्च है, चर्च से ऊंचा नहीं होना चाहिए। ये मशीन गन है सर, 1905 में अंग्रेज लाए थे, वो ऐसी 12 गन मशीनें लाए थे जो उनने चारों साइड किले में लगाई हुई थी। अंग्रेज इधर से गए वो अपनी निकाल के ले गए, ये 2 पड़ी जो ख़राब इधर वो छोड़ गए। इसकी सर रेंज थी 1500, 1200, 1800 मीटर। 1500, 1000 मीटर चलती थी। हाँ, उस ये समय भी लिखा भी है 1500, 1200, 1800 मीटर, जिस रेंज पे लगाना है उस रेंज। तो देखिए आप देख रहे हैं ये इस मशीन गन के ऊपर उसकी रेंज तक लिखी है कि ये कितना कितना ये मीटर पे गोलियां फायर करती थी। ये है उस टाइम के अंग्रेज़ों की मशीन गन जिसमें 1500 मीटर तक की रेंज और अलग अलग रेंज आप सेट कर सकते हैं गोलियां चलाने के लिए। इधर देखो रानी के टाइम में सर लकड़ी के दरवाजे थे, अंग्रेजों ने कब्जा किया उन गेटों को जला दिया, उनने अपनी सेफ्टी के लिए लोहे का डबल गेट लगाया। आप देख रहे हैं सर ये दोनों गेट जब बंद हो जाएंगे तो यूनियन जैक बन जाएगा, लंदन का फ्लैग बन जाएगा, अंग्रेजों का ब्रिटिश फ्लैग बन जाएगा, इंग्लैंड का झंडा, वो स्टार बनता है ना उनका। ये दोनों साइड हैं सलामी तोप, वेलकम। कोई गंगाधर राव से मिलने वाले या कोई बाहर से मेहमान आते थे तो इन तोपों में बारूद भर के वो सलामी देते थे, जिससे झांसी वासियों को मालूम पड़ता था कि गंगाधर राव का कोई मिलने वाला मेहमान आया है। ऐसे जो नीचे रूम जो जितने आप देख रहे ये सारे सोल्जर्स रूम हैं। अच्छा, सिपाहियों के। और देखो सर पहले क्या था कि झांसी के चारों साइड बाउंड्री वॉल थी किले के बाहर, किले के बाहर उसे परकोटा बोलते थे। 10 गेट थे, गेटों के नाम भी थे, जैसे कि अपन दतिया साइड गेट खुलता है तो दतिया गेट बोलते हैं। अच्छा। ऐसे कि वो ओरछा साइड है तो ओरछा गेट, उनाव गेट, लक्ष्मी गेट, सैयर गेट, बड़ा गांव गेट, इस प्रकार के गेट थे। उन गेटों के अंदर ही किला था। अच्छा। जब कोई किले के अंदर या कोई सर बाहर जाता था तो उसे गेट पर मिलना पड़ता था। अच्छा। कि किससे मिलने और किस काम से आप जा रहे हैं। जा रहे हैं तो रानी का जो देवर था धूराजी राव उसकी ड्यूटी थी ओरछा गेट पर। अंग्रेजों ने उसे लालच दे दी कि हमें तो रानी से मतलब है, ये झांसी का राजपाट हम आपके नाम कर देंगे। धूराजी राव लालच में आ गया, उसने सोचा हम झांसी के राजा बन जाएंगे, इस लालच में उसने ओरछा गेट खोल दिया। अंग्रेज अंदर आ गए, रानी के पास निकलने के लिए रास्ता नहीं था जब रानी ने ऊपर से छलांग लगाई थी। एक वो चबूतरा टाइप का दिख रहा है, वो है 12 दरी जहाँ पे नाच गाना होता था। जो गजराबाई थी वो चबूतरे पे मुजरा करती थी, गंगाधर राव उसके अंदर बैठ के झूला था, झूले पे बैठ के शराब के नशे में मुजरा देखते थे। एक सिटी के देखो बीच में तालाब दिख रहा होगा, वो लक्ष्मी तालाब है। अच्छा, हाँ तालाब दिख रहा है। उस तालाब में रानी घोड़े से नहाने जाती थी, घोड़े के साथ। हाँ, उस समय सिटी थी नहीं, घोड़े से जाना घोड़े से आना। उधर गंगाधर राव की समाधि भी है। और देखिए सर रानी की 13 वर्ष की उम्र में शादी हुई, 13 में शादी, 19 में विधवा और 23 में वीरगति। 19 साल की उम्र में एक बच्चा हुआ था रानी का, आनंद राव। उस बच्चे को धूराजी राव ने दूध में मिला के जहर दे दिया। अच्छा। वो बच्चा ख़त्म हो गया जब रानी ने बच्चा गोद लिया था दामोदर राव। और देखो सर डलहौजी ने एक रूल बनाया था कि जिसका कोई वंश नहीं है उस पर शासन हम करेंगे। जो रानी ने बच्चा जो गोद लिया था दामोदर राव उसको अंग्रेज मानने तैयार नहीं थे क्योंकि ये तुम्हारा खुद का बच्चा नहीं है, आपने सगी औलाद नहीं गोद लिया है। रानी का कहना था कि मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। ये देखो जब मैंने सर मशीन गन बताया था आपको, हाँ अंग्रेज वाला वो इसमें फिट होता था, देखो जो पैर से वो चलाते थे। इधर भी लिखा है MG No. 2 मशीन गन, MG No. 1 कौन गन मशीन कौन नंबर पर है। ये नीचे देखो शिव मंदिर है, इसमें भी रानी पूजा करने जाती थी, इसीलिए रानी ने फांसी लगाना बंद करा दिया था। ये देखो ईंट वाला, ये ऐसा दीवार टूट के अंग्रेजों ने ईंट का बनाया, इसमें लगा दिया मशीन गन,
ये रानी के टाइम का है, ये भी देखने के लिए था। आप इधर से देखेंगे तो इधर का दिखेगा, इधर से इधर का दिखेगा। कोई दीवार के सहारे खड़ा है, दीवार का नहीं दिखेगा। तो इसमें वो लोग गर्म पानी या तेल डालते थे। अभी आप ये तो गुफा देख रहे हैं, ये टर्नल है जो इस झांसी के किले को ग्वालियर हाईवे से कनेक्ट करता है। जब पहले राजा महाराजा अटैक होते थे तो इसी खुफिया रास्ते से बाहर निकलते थे महल से। तो मैं आपको अंदर जाकर दिखाता हूँ ये कैसा बना हुआ, और अभी अंदर इसमें टर्नल में जा सकते हैं कि नहीं। अब अंदर प्रवेश कर रहे हैं इस टर्नल के, जिस खुफिया रास्ते से राजा महाराजा अटैक होने पर बाहर निकल जाया करते थे, शहर से बाहर निकलते थे इस टनल के रास्ते। आज के टाइम में गवर्नमेंट ने किलों को बंद कर दिया रास्तों के, लोग इसमें घुस जाए तो क्या पता घुल भुलैया टाइप से रास्तों में बाहर ना निकल पाए, इसलिए गवर्नमेंट ने इन रास्तों को चुनाई करके बंद कर दिया है। तो देखिए इसकी छतें कुछ इस तरीके की बनी हुई हैं, ये हैं। तो मैं अभी बाहर निकलता हूँ, आपको फांसी घर दिखाता हूँ, बगल के इसके लेफ्ट हैंड पे ही है। तो ये देखिए ये है फांसी घर। तो देख रहे हैं आप ऊपर जो दो छेद हैं वहाँ पर दो कैदियों को लटकाया जाता था, और पीछे जल्लाद खड़ा होता था अपने प्लेटफॉर्म पर, और जैसे ही लकड़ियों के बोर्ड खींचे जाते थे जो कैदी होते थे लटक जाते थे ऐसे। तो और उनको जो यहाँ पर आम जनता होती थी यहाँ पर अमोद बाग में खड़े होकर उनको उनकी देखती थी लाशों को लटकता हुआ, क्योंकि जिससे लोगों को सबक मिले कि कोई गलत काम करेगा तो उसे फांसी पर लटका दिया जाएगा। लेकिन जब रानी लक्ष्मीबाई इस महल में आई तो इसी रास्ते से जाती थी पूजा करने के लिए, तो उन्होंने इस फांसी वाले जो ये हैंगिंग को इसको बंद करा दिया फांसी देना। उन्होंने वहाँ पे एक काल कोठरी बनाई जहाँ पे बस उन्हें कैदियों को रखा करती थी, फांसी नहीं देती थी। तो नीचे वो मंदिर है जहाँ पर वो पूजा करने जाती थी। तो हम आपको उस मंदिर में लेकर चलते हैं, शंकर मंदिर में। तो आप देख रहे हैं यही वो मंदिर है, शिव मंदिर, जहाँ पर रानी लक्ष्मीबाई पूजा कर रहे आती थी। मैंने आपको ऊपर वहाँ खिड़की से दिखाया था, लेकिन अभी मैं आपको नीचे जाके भी दिखा रहा हूँ। तो ये पूरा मंदिर का प्रांगण है, और वहाँ पर बहुत सारे अलग अलग कमरे बने हुए हैं, वो भी किसी चीज़ में यूज़ आते होंगे। ये पूरा देखिए किला कवर है पूरा बाउंड्री से, ये भी किले का पार्ट ही है। इस रास्ते से रानी आती थी नीचे इस मंदिर में पूजा करने के लिए। बोलते हैं कि झांसी गले की फांसी, झांसी गले की फांसी और दतिया गले का हार, और ललितपुर ना छोड़ियो जब तक मिले उधार। रानी ने जब फांसी लगाना बंद करा दिया तो कहने लगे झांसी की छूटी फांसी और दतिया के टूटे हार, और ललितपुर के वो लाला मर गए जो देते थे उधार उधार, क्योंकि ना उधार मिलता है ना फांसी लगती है ना हार गिरते हैं। देखो ये वो जगह मैं दिखाने जा रहा हूँ सर, जहाँ से रानी ने अपना घोड़ा सहज छलांग लगाई थी। जब रानी के देवर ने, मैंने बताया था दूराजी राव ने ओरछा गेट खोल दिया, तो रानी के पास निकलने के लिए रास्ता नहीं था, उनके घोड़े ने इधर से नीचे छलांग लगाई जो रानी के घोड़े का पैर टूट गया। घोड़ा भागते भागते गया आगे लक्ष्मी पारक है, उधर जाके घोड़ा शहीद हो गया। उधर से सर रानी पवन नाम का घोड़ा लेके गई कालपी, और कालपी से बिटूर। उस समय देखो किले के बाहर ऐसे नाले होते थे जिसमें क्या था कि पानी और मगरमच्छ छोड़ते थे, क्योंकि ना कोई आ सके और ना कोई जा सके। ऐसा ही नाला ग्वालियर में था, उसे सौररेखा बोलते थे। रानी ने सोचा अपने घोड़े को मैं जंप लगा के उस नाले के इस पार निकाल दूं, तो रानी का घोड़ा उस नाले में गिर गया, क्योंकि नया घोड़ा था। रानी का कहना था कि हमारे जीते जी अंग्रेज मुझे देख भी ना पाए। रानी ने सोचा अब तो अंग्रेज मुझे पकड़ लेंगे। तो रानी एक गंगा राम साधु महासाधु रहते थे, उसी झुपड़िया में जाके रानी गिर गई। उनने उसी झुपड़िया को तोड़ के चिता बना के जला लिया, कहाँ पे ग्वालियर में। तो ग्वालियर में रानी का फूल बाग में समाधि है, और ग्वालियर म्यूजियम में तलवार है। रानी 18 जून 1858 में वीर गति को प्राप्त हो गई। बोलते हैं कि चमक उठी 1857 में वो तलवार पुरानी थी, वंदे ले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। वो पहाड़ी पे स्टैचू बना वो मेजर ध्यानचंद है। अच्छा वो जो बड़ा सा पहाड़ है सामने, हॉकी के जादूगर बोलते थे, वो भी झांसी के, वो भी झांसी के थे। और जो रानी ने बच्चा जो गोद लिया था दामोदर राव, वो बच्चा बच गया था। जो गंगा राम जो साधु महासाधु थे वो उस बच्चे को लेके भाग गए थे।
तो उनका वंश इंदौर में रहता है, होलकर परिवार है। अभी भी उनका वंश है? हाँ, पांचवी छठवीं पीढ़ी इंदौर में उनकी, अहल्याबाई होलकर। ये देखो रानी का ये पंचमहल था सर, पहले गंगाधर राव और रानी इसी में रहते थे। ऊपर रानी का पहले शीश महल था जो अंग्रेजों ने तोड़ के उसे मीटिंग हॉल बना दिया। दूसरे फ्लोर पर दरबार लगता था, तीसरे फ्लोर पर रानी का झूला महल था, चौथे नंबर पर दीवाने आम और दीवाने खास। खास ये जो सर अपन देखने जा रहे हैं, ये किले की सब में ऊंची जगह है। इधर रानी ने अपना दुर्ग का झंडा फहराया था देश का, जो आज भी सुबह शाम चढ़ता है, शाम के उतरता है। एक वो भी थी झलकारी बाई, जो रानी का फेस और उनका देखने में एक जैसा लगता था। तो उस समय अंग्रेजों से युद्ध हुआ तो उनने बोला कि रानी साहबा आप निकल जाओ, मैं रानी बन के ओरछा गेट पहुँचती हूँ। जब वो रानी बन के ओरछा गेट पहुँच गई तो अंग्रेज कहने लगे कि रानी तो अपने पास आ गई, क्योंकि अंग्रेजों ने रानी को देखा नहीं था, वो लोग नाम से जानते थे। रानी का देवर बोला दूराजी राव, जिसे आप रानी समझ रहे हैं वो रानी नहीं है, रानी की हमशक्ल है, रानी तो निकल गई ग्वालियर। तो उसे मालूम पड़ गया कि मैन गद्दार तो यही है दूराजी राव, जो अंग्रेजों से मिला है। बाद में मैंने बताया था वो भवानी शंकर तोप पे अंग्रेजों ने बांध के उसे उड़ा दिया था। जब वो उनके पास गया कि झांसी का राजपाट मुझे दे दो, तो उनने बोला जिसका तूने नमक खाया तो उसका नहीं हुआ तो तू हमारा क्या होगा। तो राजा गंगाधर राव के टाइम में यहाँ पर ये पूरा अदालत हुआ करता था, जहाँ पर वो सबको न्याय करते थे लोगों के लिए जो। लेकिन आज उसके बाद जब अंग्रेज़ों ने इस पर हमला किया तो इसको वाटर टैंक में बदल दिया, और जो यहाँ पे आप गेट देख रहे हैं यहाँ पे दीवारें लगा दी और इसके अंदर पानी स्टोर करते थे। ये रानी का पंचमहल है जो बता रहा था मैं, देखो ऊपर रानी का पहले शीश महल था जो अंग्रेजों ने तोड़ के उसे मीटिंग हॉल बना दिया था। देखो उस समय इधर पे दरबार लगता था, जो रानी ने बच्चा जो गोद लिया था दामोदर राव, वो यहीं पे लिया था। जहाँ पर खड़े हैं इधर रानी का सिंहासन था और नीचे सोल्जर बैठते थे। दो इसके नीचे अभी और हैं जो मैं दिखाऊंगा, जहाँ पर रानी का झूला महल, चौथे नंबर पर दीवाने आम और दीवाने खास था उस समय। तो ये सब बेसमेंट में है भैया? हाँ, अंडरग्राउंड बना रखा है। अंडरग्राउंड है, वो भी दिखेगा। ये देखो तीसरे फ्लोर पर हैं अपन, जहाँ पे रानी उस समय सहेलियों साथ में झूला वगैरह झूलती थी। इसका पलस्तर नया हुआ है, अगले दीवारें पुरानी हैं सर। एक इसके नीचे अभी और है जहाँ पे दीवाने आम और दीवाने खास था, देख के आना भाई। ये देखो दीवाने आम और दीवाने खास। तो पहले ये पांच मंजिल था तो पंचमहल कहते थे, अभी ये चार फ्लोर मौजूदगी में है जो अपन ने देखा है, नीचे से लेके ऊपर। ऊपर वाला जो फ्लोर है वो बंद है। ये रानी के जो तोपची हैं उनका ये समाधि है, गुलाम गोस का, खुदा बख्श और मोती बाई, जो मुस्लिम थे वो दोनों का एक साथ मजार है। ये मोती बाई का ऊंचा मंदिर है। ये लोग 4 जून को, रानी 18 जून को। सिर्फ 14 दिन का फैसला था इन दोनों के शहीद होने में, और तीनों हैं गुलाम गोस का, खुदा बख्श और मोती बाई। अच्छा, ये लोग तीनों एक साथ ही, तीनों का मकबरा एक साथ ही है। हाँ, जब अंग्रेजों ने तोप चलाई तो ये समझ में नहीं आ रहा था कि ये कौन है ये कौन है। तो रानी ने बोला जो मुस्लिम है उनका मजार बनाया जाए, और ये मोती बाई का मंदिर। ये लोग 4 जून को, रानी 18 जून को, 14 दिन बाद रानी लड़ते लड़ते ग्वालियर में वीर गति को प्राप्त हो गए, और ये लोग झांसी में तोपची मारे गए। जो तात्या टोपे थे उन्हें शिवपुरी में फांसी लगाई थी। तात्या टोपे कौन थे? ये रानी के गुरु थे,
ताती ये टोपे नाना साहेब ये सब अपन इधर से गए थे देखो ऐसा घूम के ऊपर से हाँ ऐसा घूम के आए। तो कितनी मोटाई होगी भैया इस दीवार की? ये कम से कम है 10-12 फुट मोटाई है इसकी, 15 होगी। और नीचे से ये सड़क जो है इसकी कितनी है? ये पूरा टोटल है 30 फुट मोटी दीवार है। मतलब ये पूरी 30 फुट मोटी दीवार पे हम चल रहे हैं, इस पे घोड़े भी चल जाते होंगे? हाँ। उस समय घोड़े भी चल जाते, ऐसा लग रहा है कि 2 या 3 घोड़े एक साथ चल सकते हैं इस पे। तो कितनी मोटी मोटी दीवार बनाई जाती थी कि कोई भी आक्रमण करे तो उस समय इसको कोई भेद ना पाए इन किलों को। अभी हम भैया हमें लेकर जा रहे हैं एक और जगह पर जहाँ पर दूसरी यहीं की तोप है। भैया क्या नाम है उस तोप का? भवानी शंकर तोप। तो भवानी शंकर तोप देखने के लिए अब हम जा रहे हैं किले के दूसरे पार्ट में। ये पहले मेन एंट्री यही थी महल का, पहले ही मेन एंट्री गेट आने जाने के लिए यही था। और ये गणेश मंदिर है जो यहाँ पर भवानी शंकर तोप भी रखी है और यहाँ पर गणेश मंदिर भी है जो हम आपको चलते हैं ऊपर दिखाते हुए। तो ये देखिए ये पहले पड़ेगा गणेश मंदिर और उसके बाद पड़ेगी भवानी तोप, इसी के ऊपर है भवानी, इसी के ऊपर गणेश मंदिर के ऊपर। तो कैसा लगा आपको झांसी की रानी का ये किला और इस किले के किस पार्ट ने आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर बताएगा। आप मुझे मेरी नेक्स्ट ट्रिप के लिए सजेस्ट भी कर सकते हैं कि अब मैं आपकी सिटी में कोई अच्छा मॉन्यूमेंट हो तो मैं उसको भी आकर एक्सप्लोर करूँगा। आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं और मुझे आप DM भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है दीपक ग्रोवर फॉर, वहाँ पर हम लोग बातें भी कर सकते हैं। और मेरी अभी अभी मध्य प्रदेश एक्सप्लोर सीरीज स्टार्ट हुई है तो ऊपर लेफ्ट माई बटन में पूरी प्लेलिस्ट है, जितने भी फोर्ट्स मैंने एक्सप्लोर किए मध्य प्रदेश के वहाँ पे आप सब देख सकते हैं। तो मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट फोर्ट को एक्सप्लोर करते हुए, तब तक के लिए हैप्पी एंड सेफ जर्नी, बाय बाय।